तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे स्टार किड्स हैं जो हमेशा से अपने पेरेंट्स का नाम डुबोते आए हैं और इस साल 2022 में भी उन्होंने अपनी काली करतूतों के चलते इस कदर अपने माता पिता का शर्म सर से नीचा किया है कि आज वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वहीं बड़े पर्दे के टॉप 15 स्टार किड्स ने इस साल 2022 में अपने माता पिता का नाम इतना रोशन किया है कि आज वो सर उठाकर चल रहे हैं और अपने बच्चों पर प्राउड फील कर रहे हैं। तो आखिरकार कौन कौन से वो स्टार किड्स और कैसे उन्होंने इस साल अपने माता पिता को गर्वित किया है, आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं से रूबरू करवाकर इसके पीछे का कारण बताने वाले हैं। तो अगर आप भी मिलना चाहते हैं उनसे और जानना चाहते हैं उनके बारे में तो आप हमारे साथ हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नंबर 15, बाबिल खान। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता इरफान खान भले ही आज हमारे बीच नहीं है पर इस वक्त इनका बेटा बाबिल खान इनका नाम खूब रोशन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी पोस्ट शेयर करते हैं जिसके जरिए वो कुछ अच्छी बातें भी सिखाते हैं, साथ ही कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देते। इस वजह से आज बेटे के साथ साथ पिता इरफान का भी नाम खूब हो रहा है। नंबर 14, सारा अली खान। यूँ तो नवाब सैफ अली खान और अमिताभ सिंह की एक्टिंग की दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन इनकी बेटी सारा अली खान ऊंची उड़ान भर रही है, जो नई नई मूवीज लाकर और अपना करियर बनाकर अपने माता पिता की उमंग बन चुकी हैं। इसलिए आज हर घर में सारा के साथ साथ इनके पेरेंट्स की भी वाहवाही हो रही है। नंबर 3, ईरा खान। यूँ तो 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर आमिर खान की बेटी ईरा खान फिल्मों में नजर नहीं आई है पर खबरों के मुताबिक वो बहुत टैलेंटेड है और इसी वक्त वो गरीबों की मदद कर उनका पेट पाल रही हैं। जी हाँ, सुनने में आया है कि ईरा एनजीओ में पैसों को लेकर हेल्प करती हैं और इनके जैसे अच्छे काम की वजह से आज वो हर घर में फेमस हो रही हैं, साथ ही अपने मम्मी पापा का सर गर्व से ऊंचा कर रही हैं। नंबर 12, आर्यन खान। भले ही किंग शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान ने साल 2022 में कितने ही कांड किए हों पर ये पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और खबरों के मुताबिक ये अपने कॉलेज में फर्स्ट आए हैं, जिन्होंने ऐसा अच्छा काम कर अपने माता पिता की खोई हुई इज्जत वापस दिला दी है। नंबर 11, जानवी कपूर। माँ श्रीदेवी तो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन बेटी जानवी कपूर उनका नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, इस वक्त ये फिल्मी दुनिया में मौजूद है जहाँ पर ये एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रही है और अपना करियर सफल बना रही है, साथ ही खुद के पैरों पर भी खड़ी होती हुई नजर आ रही है जिनके लोग तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। नंबर 10, ईशान खट्टर। इसी साल अभिनेता शाहिद कपूर के छोटे भाई और नीलिमा अजीम के बेटे ईशान खट्टर नई फिल्म फोन भूत लेकर आए हैं जिसमें इनकी एक्टिंग और इंटेलिजेंसी की इतनी तारीफ हो रही है कि लोग इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स के बारे में भी बातें कर रहे हैं। नंबर 9, शाहिद कपूर। पंकज कपूर और नीलिमा अजीम के लाडले बेटे शाहिद कपूर ने अपने दम पर वो शोहरत हासिल की है जिसे हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो बॉलीवुड में एक कामयाब एक्टर बनकर उभरे हैं। वहीं अब शादी के बाद ये एक अच्छे हस्बैंड और पिता के तौर पर अपना घर परिवार इतनी बखूबी संभाल रहे हैं कि आज हर घर में इनके टंके बज रहे हैं। नंबर 8, आलिया भट्ट। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फेम एक्ट्रेस आलिया भट्ट वो हेल्पफुल अभिनेत्री कहलाई जाती हैं जो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे खड़ी रहती हैं और हर किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लेती हैं। वहीं इसी साल 2022 के अंदर 3-3 नई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, RRR और ब्रह्मास्त्र लाकर इन्होंने उन फिल्मों को तो हिट बनाया ही, साथ ही इनमें काम करने वाले हर कलाकार की भी किस्मत चमका दी है। इस वजह से आज हर जगह इनका और इनके पेरेंट्स का नाम रोशन हो रहा है। नंबर 7, सोनम कपूर। अभिनेता अनिल कपूर की लाडली बेटी सोनम कपूर इस वक्त फिल्मी दुनिया से तो दूर हैं, पर आज ये एक अच्छी वाइफ और माँ बनकर इस कदर अपना हर एक फर्ज बखूबी पूरा कर रही हैं कि ससुराल वाले इनके माता पिता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने सोनम को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। जी हाँ, सोनम की वजह से इनके ससुराल में इनके माता पिता को बहुत आदर मान सम्मान मिल रहा है। नंबर 6, टाइगर श्रॉफ। हीरोपंती फिल्म में आज हर घर में पहचान जाने वाले जैकी श्रॉफ के लाडले बेटे टाइगर श्रॉफ ने इस साल कोई फिल्म तो नहीं की है पर इन्होंने जब तक जितनी भी मूवीज की है उनमें इन्होंने खूब कमाल दिखाया है और अपने पिता को भी पीछे छोड़ आज ही तरक्की के रास्ते पर इतने आगे निकल चुके हैं कि सभी इनकी और इनके पिता की खूब सराहना कर रहे हैं। नंबर 5, सिद्धार्थ मल्होत्रा। शेरशाह फेम एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस साल 2022 में कोई गलत काम नहीं किया, न ही कभी इन्हें अल्कोहल और धूम्रपान जैसी चीजों का सेवन करते देखा गया, जो बहुत ही साधारण किस्म के एक्टर हैं जिन्होंने फालतू के कामों में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और यही वजह है कि इनकी इन्हीं अच्छाइयों को देखकर इनके पेरेंट्स का खूब नाम रोशन हो रहा है। नंबर 4, अहान शेट्टी। अन्ना के नाम से मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी के लाडले बेटे अहान शेट्टी ने इसी साल फिल्म तड़प से बॉलीवुड में डेब्यू किया और उसमें अपनी पूरी जी जान लगाते हुए इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया कि इनकी वजह से इनका पेरेंट्स को बहुत गर्व फील हुआ, जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही एक्सीलेंट एक्टर की लिस्ट में शुमार होते हैं। नंबर 3, यशवर्धन आहूजा। इस साल 2022 में चीची कहलाने वाले अभिनेता गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा ने उनका नाम खूब रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये पूरा साल इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बिताया है, उन्हें टाइम दिया है, साथ
भी अपनी लाइफ का हर फैसला पेरेंट्स से पूछ कर ही लिया है और अपने माता पिता के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई। इस वजह से इतने आदर्श होने के चलते लोग इनकी बड़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही सुनीता और गोविंदा जी के संस्कारों की भी मिसाल दे रहे हैं। नंबर 2, सूरज पंचोली। अपनी विलनगिरी से मशहूर अभिनेता आदित्य पंचोली के लाटले बेटे सूरज पंचोली का नाम हर साल किसी न किसी के साथ जुड़ता है और ये अपनी कोई ना कोई करतूत की वजह से ट्रोल भी हुए हैं। लेकिन ये साल 2022 तो इन्होंने इतने अच्छे से जिया है कि इनमें इतने चेंजेस और अच्छाइयां देखकर लोग भी चौंक गए हैं और इनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। नंबर 1, न्यासा देवगन। इस साल 2022 में तो स्टार किड न्यासा देवगन ने भी अपने माता पिता काजोल और अजय देवगन का खूब गर्व से सर ऊंचा किया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले न्यासा की बोल्डनेस को लेकर बदनामी होती थी, वहीं अभी ये काफी सुधर गई हैं। ढंग के कपड़े पहनती और पहले से काफी खूबसूरत भी हो गई हैं और सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। वेल दोस्तों, आप किस स्टार किड से इम्प्रेस है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इसे तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।